किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावागी अब तो कुछ नहीं बस अपना काम सक्सेसफुली करना है और शादी करके सेट हो जाए बस भाई दो तीन साल में शादी करना है फुल एंजॉय करना है भाई। हाँ वैसे भाई तुम्हारे कैंपस कौन सी कंपनी में? मेरा कंपनी का नाम था निलंजन वर्क लिमिटेड और भाई तुम्हारा स्पाइसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी है भाई। बढ़िया यार ठीक है भाई मिलते हैं भाई कभी। अब इतने अरसे हो गए भाई हम लोग को मिले हुए। हाँ ना यार बहुत दिन हो गया भाई। कहाँ थे इतने दिन? कंपनी में काम चल रहा है बस। भाई काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया। और अपना बताओ? बस भाई बढ़िया चल रहा है। शादी की है कि नहीं भाई? नहीं यार बस काम ही चल रहा है अभी तक। भाई अपनी भी नहीं शादी हुई अभी तक। क्या यार कंपनी लगता है अच्छा खरीदारी करता है तुम्हारा। भाई पूछो मत अपनी कंपनी तो ग्रेट प्लेस टू वर्क है। इतनी अच्छी कंपनी है इतनी केयर करती है हम लोग की पूछो मत। और तुम काफी पतले हो गए हो यार खाने पीने में हम लोग का पूरा ही ढेरा दे देता है कंपनी। और सानी तीन साल में तो बहुत कुछ बदल गया यार लेकिन एक चीज़ है तुम्हारा हायरिंग प्रोसीजर कैसा था? भाई अपनी कंपनी की जो हायरिंग प्रोसीजर है ना इतनी स्टैंडर्ड है कि पूछो मत। आप लोग डेक्सिटी के अंदर जाइए वहाँ पे पीटीटी है मैम वो आपको बताएंगे। मैम डेक्सिटी कहाँ से? ठीक है हम आपको लेके चलते हैं आ जाइए। ओके मैम। आप लोग डेस्टिटी के सामने खड़े रहिए पीटीटी मैम आएंगी जो आपको ट्रेनिंग देंगी। ओके ये आपकी पीटीटी सीखा मैम है जो आपको ट्रेनिंग देने वाली है तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए आगे आपको बताएंगे। ओके मैम। आई एम सनी कुमार फ्रॉम झारखंड। आई एम आरती सिंह फ्रॉम सतना एमपी। आई एम प्रिया केवट फ्रॉम एमपी। अभी ज्वाइनिंग तो हो गया तुम लोगों का? यस मैम। अभी आज से स्टार्ट होगा तुम लोगों का ट्रेनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू आवर स्पाइसर फैमिली। थैंक यू मैम। कैसे हो सब? अच्छे हैं मैम। कैसा लग रहा है फर्स्ट डे का आज ट्रेनिंग? अच्छा फील हो रहा है मैम इतने बड़े कंपनी में हम लोग को जॉब हुआ है मैम अच्छे लग रहे। ठीक है चलो अभी तुम लोगों का 15 दिन का ट्रेनिंग है। यस मैम। 15 दिन का ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों को आगे भी बढ़ना है कंपनी में क्या क्या होता है क्या नहीं वो भी जानना है। यस मैम। कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानना है उसके लिए हम लोग टेक्सिटी में दिखाएंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ओके मैम। और कंपनी में सबसे बड़ा चीज है सेफ्टी। सेफ्टी का जीरो टॉलरेंस है खास करके लड़कियों को बाल खोल के नहीं आना है। ठीक है सेफ्टी शूज फिर सेफ्टी गॉगल और बाल में वो कैप लगाना है। ओके मैम। एप्रन पहनना है सब वो सब तो फॉलो करना ही है और ट्रेनिंग में दिखाएंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं कौन सा स्टैंडर्ड है वो सब दिखाएंगे। और 15 दिन का ट्रेनिंग में पर डे एक एक थॉट रहेगा तुम लोग ऑल्टरनेट करके करो। ओके और वो थॉट 10 मिनट का रहेगा और लास्ट में 15 दिन का लास्ट डे में विजन सेट रहेगा क्योंकि तुम लोग अभी नए हो कुछ तो लाइफ में गोल रखना पड़ेगा ना। विजन सेट अभी पेमेंट भी आएगा कितना अच्छा लगेगा फर्स्ट टाइम सैलरी आएगा तो तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं तुम्हारा तो कुछ तो एम रहेगा ना तो वो विजन सेट में वो करना है। हाँ वो उसमें सिर्फ ड्रॉइंग वो सब रखो ड्रॉइंग मतलब पिक्टोरियल जो रहता है ना हाँ वो सब हर मंथ का ऐसा करके करो
उससे पहले तुम लोगों से हमारा प्लांट है और एचआर आएगा मिलने के लिए तुम लोगों से, और लास्ट में डेक्सरिटी विजिट करेंगे क्योंकि देखना है क्या क्या है कैसे है, ठीक है? हमारे कंपनी का एचआर मैडम अंजना सिन्हा, ऑलरेडी तुम लोग मिल चुके हो yes, ma'am. लेकिन कंपनी का रूल और रेगुलेशन के बारे में वो बताएंगे. ओके थैंक यू मैम. हेलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. आप तो हमसे मिल चुके हो. यस मैम. कंपनी के रूल रेगुलेशन के बारे में आपको बताती हूँ. हमारी कंपनी में एक ओई मॉडल है, उसके बारे में आपको बताती हूँ. बेटी हो सेकेंड ईयर में ओई में आप ट्रांसफर हो जाओगे, थर्ड ईयर में जेई हो जाओगे, उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग मिलती है. पहले फर्स्ट ईयर में आप लोग को सीएसटी ट्रेनिंग मिलेगा, सेकेंड ईयर में एस्टार मिलेगा, थर्ड ईयर में दिशा मिलेगा. और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, अगर आपने कंपनी को बहुत ही अच्छा बेस्ट दिया, तो एक ट्रेनिंग होती है जो एसटीओई का ट्रेनिंग है, ठीक है? हाँ पूछिए. मैं क्वेश्चन है ना मैम, एसटीओई क्या होता है? स्पेशल ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटिंग इंजीनियर, ठीक है? अगर आपका एसटीओई का ट्रेनिंग मिल जाता है तो इसमें क्या होता है, आप लोग को तीन चार पोस्ट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस, क्वालिटी, सेफ्टी. उसमें अगर किसी एक में भी जाते हैं आप, तो आपको तीन या चार मंथ का वर्किंग करना पड़ता है. लेकिन अगर पोस्टिंग नहीं मिला, लेकिन थ्री मंथ काम करने का मौका मिलता है और उसमें आपको एसटीओई का अलाउंस भी मिलेगा, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हमारा, ठीक है? बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है हॉस्टल. गर्ल्स लोगों के लिए परमानेंट हॉस्टल है, बॉयज लोगों के लिए ओनली वन ईयर का हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है. अगर आप लोगों को कुछ भी हॉस्टल में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं. वैसे वहाँ पे वार्डन दिया है, गर्ल्स के लिए वार्डन है, बॉयज के लिए वार्डन है. पहले आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, अगर उनसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम पक्का सॉल्व करेंगे. ओके ठीक है. हम लोग अभी डेक्सिटी विजिट करेंगे, हमारा शॉप फ्लोर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं प्रोसेस किया है वो अभी देखेंगे. हमारा तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग किए, नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट, और ऊपर से क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है था यार भाई. यही तो डिफरेंस है अदर कंपनी में और हमारी कंपनी में, ग्रेट प्लेस टू वर्क में. तुम अपने काम पे खुश हो क्या? ऑब्वियसली भाई, अपने काम से क्यों खुश नहीं रहेंगे भाई, जो कंपनी हमारे लिए इतनी करती है. तुम लोग को अभी मशीन पे ले जाऊंगा, मशीन पे ऑलरेडी तुम्हारा नाम डाला गया, किधर है वहाँ पर जाना है और सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करना है, डिस्टर्ब ओई को नहीं करना है. जब तक एसडब्ल्यूसीटी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाता तो उसका, ठीक है? उसके बाद वो बताएगा, तुम लोग को ट्रेनिंग देगा, उसके बाद ऑब्जर्व करो दूर से, ठीक है? ओ भैया कैसा आदमी है, इन्हों सुनता भी नहीं, कुछ बुलाते हैं तो सुनते ही नहीं है, बोलना पड़ेगा. ओ भैया ये पीसीपी है, ये इसके बारे में बाद में तुम लोगों को समझाता हूँ मैं, अभी मशीन का जो सेफ्टी डिवाइस है तुम लोगों को दिखाता हूँ आ जाओ. ये पैलेट डोर है, पैलेट अंदर जाने के बाद ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उधर है इमरजेंसी स्विच, कभी भी इसको दबाओ, कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन आएगा या इंसिडेंट होने जाएगा तो इसको दबाओ, तुरंत मशीन बंद हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है भैया, ये लाइट इसमें लगा हुआ, ये क्या है? गुड क्वेश्चन. ये लाइट कटन है, ये सेफ्टी पोका एक है, तो पहले का अगर बिजी रहेगा उस टाइम कुछ भी जाएगा लाइट कटन से अंदर स्टॉप हो जाएगा. ये किस लिए लगा हुआ है, अगर तुम लोग हाथ डालोगे तो कोई हाथ डाल देगा गलती से, इधर रुक जाएगा, समझ गया ना? ओके ठीक है. अभी क्वालिटी का बारे में तुम लोग को ट्रेनिंग देता हूँ. ये चारों गेज ये इधर यूज़ होता है,
एक ड्यूल होल ड्रिल के लिए, एक होता है लॉन्ग ड्रिल के लिए, एक बियरिंग कैप कैप और एक बियरिंग कैप ड्रिल के लिए, ठीक है। उसका डिटेल्स हमारे एसआईआर में है, जब तक तुम काम करोगे तब पता चलेगा तुमको, ठीक है ना। ठीक है, मैं ग्रुप लीडर को बुलाता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस तुम लोग फॉलो करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम, मैं सेफ्टी की इंचार्ज हूँ स्पाइस सर। ओके, आपको एम के बारे में पता है? यस मैम। इंटरलॉक डोर? यस मैम। सेफ असेंबली पॉइंट? यस मैम। इमरजेंसी? यस मैम। सेफ्टी बाईपास करोगे? यस मैम। नो मैम, नो 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 नो। गॉगल पहनोगे? यस मैम। ठीक है, हमसे खुश नहीं हो क्या? नहीं ना यार, हमारे कंपनी का तो बात ही मत पूछो। ये जॉब रिजेक्ट है, उसको स्क्रैप एरिया में जाकर डाल के आओ। कैसे डाल के आऊं मैम? हाथ से। मैम ये जॉब बहुत भारी है, हाथ से नहीं लेके जा सकता मैं। खाना नहीं खाया क्या? खाया ना मैम। अगर नहीं होता तो रिजाइन मार के घर जाओ। ठीक है मैम, मैं जॉब को लेके स्क्रैप एरिया में फेंक के आता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव। 3 साल में कुछ डेवलप किए या नहीं किए? अरे किए ना यार, हमारा तो बहुत ही डेवलपमेंट हो गया। शट डाउन है, क्या करेंगे इसमें? थोड़ा टाइम पास करते हैं, टिकटॉक बनाएंगे, थोड़ा पबजी वगैरह खेलेंगे। चलो फिर मैं टिकटॉक बनाता हूँ, तुम मुझे हेल्प करो थोड़ा। ठीक है भैया। ये लीला उस बिजनेस की लिखी अम्मा, उगे लोली लेला ज़ीरो फी गले भी। अरे ये तुम्हारा डेवलप है, मेरे कंपनी का देखो, मेरे कंपनी का। तुम लोग का 4 घंटा मशीन प्लांट शट डाउन में है। यस सर। ठीक है, तुम लोग ये TPM टैग लो और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ TPM रेड टैग और व्हाइट टैग वहाँ लगाना है। ठीक है, तुम रेड टैग ले लो, तुम भी रेड टैग लो, ये व्हाइट टैग है, व्हाइट टैग भी लगाओ। ठीक है, उसके बाद टैग लगाने के बाद 5S करना है अपना मशीन का। और उसके बाद मैं तुम लोग का B2B का और MSCS के बारे में ट्रेनिंग दूंगा। ये 4 घंटा तुम लोग को कुछ तो सीखने के मिलेगा। ठीक है सर, थोड़ा आज प्रोग्रामिंग के बारे में सिखा दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जिसको जहाँ डाउट है आज पूछ लो, 4 घंटा तुम्हारा प्लान शट डाउन है। हमारा तो प्रोसीजर ही पूरा ख़राब है, शादी का भाई का शादी है, छुट्टी के लिए मैं गया था। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे भाई का मैरिज है इसलिए मुझे 10 दिन का छुट्टी चाहिए। शादी तो तुम्हारे ये भैया के है ना, फिर तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए? मैम घर का बहुत सारा काम मुझे करना है, भाई का शादी है, वो भी अकेला है, तो थोड़ा हेल्प करना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होंगी तब देखेंगे, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैम प्लीज दे दीजिए ना, बहुत अर्जेंट है, अभी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो छुट्टी नहीं मिल सकती। 10 ही दिन का तो छुट्टी है मैम, दे दीजिए। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर। कंपनी की तो जब भी छुट्टी चाहिए होती है आराम से जाने का सिस्टम में अप्लाई करने का, जो अपना बॉस होता है वो अप्रूव। मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए? यस सर, मेरे भाई की शादी है तो मुझे 20 डेज का लीव चाहिए। ओके, मिल जाएगा, कब से कब तक चाहिए? सर 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ओके, ऐसा करो कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, मैं अप्रूव कर देता हूँ और सिस्टम में अप्लाई लिख करके जाओ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हमारे कंपनी में केयरिंग के लोग ही कैसे वो लोग तुमको हेल्प करते हैं? भाई हम लोग का ERM मीटिंग होता है। वेलकम टू मी ERM मीटिंग। पिछले ERM मीटिंग में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, तो लास्ट 1 मंथ के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हमारे भी ट्रांसलेटर बैठे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करके देंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। मैम अभी हॉस्टल में खटमल ज़्यादा हो गया है, पूरा नाइट सो नहीं पा रहे हैं खटमल की वजह से, तो ये प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए, 2 दिन में सॉल्व होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम में आना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। ओके सर, और कुछ प्रॉब्लम है? यस मैडम, कैंटीन में सेकेंड शिफ्ट में मैडम रोटी अच्छा नहीं मिल रही है, आधा कच्चा और आधा पका आ रहा है, और सब्जी की क्वालिटी एकदम बेकार है मैडम। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पहले नोट डाउन कीजिए, ये काली सॉल्व होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर।
और कुछ प्रॉब्लम है? सॉफ्ट फ्लोर में कुछ मशीनों में फैन नहीं है और गर्मी ज़्यादा होती है तो उससे काम भी नहीं हो पाता है फैन के लिए, और वाटर कूलर भी नहीं है वहाँ पे, पानी के लिए हमको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बार बार नहीं जा सकते ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम अवॉइड करके दीजिए क्योंकि ये तुरंत कैसे मिलिए क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, तो ये तुरंत सॉल्व करके दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको कर दीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए। ओके सर। यस मैम, है बस का कसन बहुत है, वो बस का ड्राइवर जो है ना वो बस टाइम पे से पहले ही छोड़ते हैं, टाइम पे जैसे 50 रहता है ना तो 49 पे ही छोड़ देता है। कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि मतलब काका बस रोको, वो बस रोकता नहीं है, अपने आप ही चल देता है। ठीक है, वो बस ड्राइवर से बात कीजिए और उसका बस ड्राइवर से बात कीजिए और उसका रूटीन एक फिक्स कर दीजिए जो बराबर टाइम पर आए कि जाए, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम लोग की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है फिर क्या सोल्यूशन होता है क्या? होता है, बट हम लोग का मैम एक्चुअली हमारा 3 दिनों से खाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि फूड क्वालिटी में इशू आ रहा है, तो मैम उसको थोड़ा सॉल्व करके दीजिए मैम। ठीक है, आपको इधर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप कल से टिफ़िन लेके आओ। मैम फर्स्ट शिफ्ट रहता है, उसे टिफ़िन कैसे बना के लाएंगे? तो फिर मैं क्या करूँ? और मैम बस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्राइवेट से आ सकते हो या बाइक खरीदो। कंपनी में कोई सेलिब्रेशन पार्टी या फिर रिवार्ड्स कुछ भी होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ ना, बहुत होता है। अरे कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा अप्रिसिएशन रिवार्ड रिकॉग्निशन होता है तो बड़ा पाव खिला देते हैं यार। क्या रे यार, ये हम लोग का तो पूछो मत, हमेशा ही कोई ना कोई इवेंट। किस्मत बदलती वेखी मैं, चक बदलता वेख्या मैं, बदल देखे अपने मैं, रब बदलता वेख्या। जे लोड़ ने